हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूनिक गाइडेंस। फ्रेंड्स, आपको आज मैं यूपीपीसीएल का फॉर्म फिल करना बताऊंगी कि कैसे अपना फॉर्म खुद फिल कर सकते हैं यूपीपीसीएल का। फ्रेंड्स, ये पोस्ट है यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की। ओके फ्रेंड, उसके लिए सबसे पहले आप गूगल पर dkarrier.com सर्च करिए कि लेटेस्ट न्यूज़ पे जाइए। ओके फ्रेंड्स, ये वेबसाइट बहुत अच्छी है और इसमें आपको बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी। आप एक बार सर्च करके जरूर देखिए। ओके फ्रेंड्स, पोस्ट का नाम है यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर की। ओके फ्रेंड्स, और यूपीपीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूपीपीसीएल। ओके फ्रेंड्स, ये ग्रुप सी की जॉब है, रिक्वायरमेंट है। ओके फ्रेंड्स, इसकी अप्लीकेशन भी 25/7/2017 से स्टार्ट हुई है। लास्ट डेट 12/8/2017 तक है। फीस पे करने की भी 12/8/2017 है। एग्जाम हमारा सितंबर मंथ में होगा और एडमिट कार्ड हमारा अगस्त में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अप्लीकेशन फीस कितनी है? जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपीज है और SC/ST के लिए 700 है और PH कैंडिडेट के लिए 10 रुपीज है। ओके फ्रेंड्स, इसमें देखिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड के लिए, जनरल के लिए इतनी सीटें हैं और ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए इतनी इतनी है। और इसकी एज लिमिटेशन 21 से 40 है। और इसकी एलिजिबिलिटी कितनी है, क्या है? बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया की किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप किए हो बस। ओके फ्रेंड्स, और इसके साथ आपको हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग आनी चाहिए, जो कि इसकी स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट। ओके फ्रेंड्स, और हिंदी स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, जिसकी स्पीड होनी चाहिए 60 वर्ड पर मिनट। ओके फ्रेंड्स, ये था स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड की एलिजिबिलिटी। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी एज सेम है और सीटें अलग अलग है, पोस्ट अलग है कि कितनी पोस्ट किसमें है इसमें। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें भी सेम सब कुछ वही है कि आपकी बैचलर डिग्री इंडिया की यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की, और किसी भी स्ट्रीम की हो सकती है। और हिंदी की कंप्यूटर टाइपिंग मांगा है इसमें सेम 30 वर्ड पर मिनट। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसका एप्लीकेशन फिल करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। आप ऑनलाइन अप्लाई किया। ओके फ्रेंड्स, आप ऐसे इस पे आ सकते हैं। आप फिर न्यू रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे फिल करेंगे। आप सबसे पहले यहाँ पे ये फिल कीजिए, आपको यहाँ पे अपनी पोस्ट फिल करनी है कि आपको ऑफिस असिस्टेंट के लिए करना है कि स्टेनोग्राफी के लिए करना है। जैसे कि हमने ऑफिस असिस्टेंट के लिए कर दिया, तो यहाँ पे आपका फुल नेम पूछेगा, तो आप फुल नेम में अपना नाम भर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, या मोबाइल नंबर पूछेगा तो आप मोबाइल नंबर अपना दे दीजिए। और सेम मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका कंफर्म मोबाइल नंबर चाहिए, तो कंफर्म मोबाइल नंबर आप इसमें फिल कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया। फिर इसके बाद आपको ईमेल देना है, ठीक है? कंफर्म ईमेल यहाँ फिल कीजिए। ओके, आप अपना यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिए। फिल हो गया, अब आप इससे रजिस्टर्ड कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये देखिए आपका यहाँ पे दिया है, क्या है? थैंक यू फॉर अप्लाइंग विद यूपीपीसीएल, योर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड। आपका रजिस्ट्रेशन फिल हो चुका है। ये आपकी लॉगिन आईडी है और ये पासवर्ड है। ओके फ्रेंड्स, इसके लिए पहले हम एक काम कर लेते हैं। अब हम इसे नोटपैड पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसे इजी रहे हमें आगे। फ्रेंड्स, इसे मैं और इसलिए कॉपी पेस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा एक डेमो फॉर्म है। तो इसमें मेरी ईमेल, मेरा डेमो फॉर्म है, जैसे कि मेरे फोन नंबर और ईमेल सब मैंने एक डेमो के तौर पे भरा है, तो इसलिए मैं इसे और कर ले रही हूँ। वरना इसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके मेल पे या मोबाइल पे मैसेज का आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड किया तो ये हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। फ्रेंड्स, ये देखिए, अब इसमें हमें ये भरना है कि क्या है अप्लाई फादर्स नेम, जिनकी शादी होगी, मैरिड हुए हैं वो हस्बैंड नेम भर सकते हैं, या मदर नेम। जेंडर भर दीजिए, कैटेगरी में भरनी है यूपी
यहाँ आप स्टेट में यूपी डालिए और फिर सेलेक्ट कैटेगरी कीजिए, किस कैटेगरी के हैं। हमने एससी के लिए डाल दिया। नेशनलिटी भरिए, मैरिटल स्टेटस, मैरिड कि अनमैरिड। ओके, हमने नेक्स्ट किया। अदर डिटेल, हमारा नेक्स्ट पेज आया जिसमें अदर डिटेल फिल करनी है। इसमें आपको आधार नंबर डालना है, फ्रेंड्स की आईडी प्रूफ डालनी है कि कौन सा आप आईडी दे रहे, पेन दे रहे, पेन नंबर, वोटर आईडी या पासपोर्ट दे दिया। अब इसमें भी आपको स्कूल करने के लिए दे दिया और यहाँ पे फादर्स ऑक्यूपेशन दिया है कि आपके फादर क्या हैं, यूपी स्टेट। यहाँ पे कई ऑप्शन दिए हैं, जो आपका हो वो आप फिल कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप अपने फादर की पोस्ट, कि आपके फादर्स क्या करते हैं, किस पोस्ट के हैं, वो फिल करना है। हमने डाल दिया। यहाँ पे आपके फादर का ऑफिस एड्रेस डालना है और यहाँ आपके अपने फादर का आधार कार्ड नंबर डालना है और उनका पैन नंबर फिल करना है। पैन नंबर आपने फिल कर दिया। यहाँ पे आपको अपनी मदर के लिए भरना है कि आपकी मदर हाउस वाइफ है, क्या है, जॉब करती है कि नहीं। अगर ये फ्रेंड्स भी आप तभी भरिए जब आपका हो, आपके पास अगर आपकी मदर हाउस वाइफ है तो आप क्या भरेंगे, यहाँ पे आप हाउस वाइफ भर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये भर गया। फिर यहाँ पे मदर का डेजिग्नेशन भरना है कि मदर आपकी क्या करती हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ उनका एड्रेस, ऑफिस एड्रेस भरना है, उनका आधार नंबर भरना है और पैन नंबर उनका भी भरना है। अब यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे बस कुछ डिटेल फ्रेंड्स भरनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं भरना है। अपनी मदर, अपने फादर्स की डिटेल उस पेज पे भरनी है। अब यहाँ पे आपको अपने एड्रेस का, अपने एड्रेस की डिटेल भरनी है। फ्रेंड्स, ये मेरा सिर्फ डेमो फॉर्म है, इसलिए मैं बस ऐसे ही बता दे रही हूँ। आप सही से भरिएगा हर डिटेल, पिन कोड, पुलिस स्टेशन आपका कौन सा लगता है। अगर आपका सेम एड्रेस है तो सेम कर दीजिए, अगर आपका सेम एड्रेस नहीं है तो उसे आप फिर से फिल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स ये फिल हो गया, मैंने सेम एज कर दिया, सेम एज से चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉर्नर में चेक बॉक्स दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक कीजिए तो आपका सेम हो जाएगा एड्रेस। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। हमारा आगे का क्या है, एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ आपका होना चाहिए, आपको जो जो भरना आप भर सकते हैं, जितने भी पांच यहाँ सेंटर है, आप पांच में से कोई भी भर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब हमने इनसे नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट किया तो अब यहाँ पे आपका हाई स्कूल, इंटर की एजुकेशन से रिलेटेड या एजुकेशन क्वालिफाई आपने क्या क्या किया है, कब किया है, उसकी डिटेल है। आपने हाई स्कूल कब पास किया वो फिल कर दीजिए, और किस इंस्टीट्यूट से किया, किस यूनिवर्सिटी से किया वो, फिर उसका क्या रोल नंबर था, परसेंटेज क्या थी। फ्रेंड्स, ये नॉन मैंडेटरी है, ये अनिवार्य नहीं है। अगर आपका सर्टिफिकेट नंबर है तो आप फिल कीजिए, अगर नहीं है तो आप फिल मत कीजिए, कोई इसका वो नहीं है। तो यहाँ पे आपको इसका भरना है, अब इंटर की एजुकेशन के बारे में भरना है और किस इंस्टीट्यूट से किया वो फिल करना है और रोल नंबर क्या था वो फिल करना है और परसेंटेज फिल कीजिए। और यहाँ पे भी वही है, आपका हो तो फिल कीजिए, अगर नहीं है तो फिल करने की कोई वो नहीं है। ग्रेजुएशन आपका फ्रेंड्स कब हुआ, कहाँ से हुआ, आप फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये भरना है, किस ईयर में होगा, पासिंग ईयर भरना है और क्या आपने किया है, किस इंस्टीट्यूट से किया है, इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी किससे किया है, कितना आपका परसेंटेज है, ये फिल करना है। और फिर उसके बाद अगर आप इंस्टीट्यूट किसी से कर रहे हैं, वहाँ का सर्टिफिकेट नंबर है तो यहाँ पे फिल कीजिए, अदरवाइज इसे स्किप कर दीजिए। अब हम इसे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट किया तो अब यहाँ पे हमारा फोटो अपलोड के लिए मांग रहा सिग्नेचर। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एक चीज और, आपकी फोटो सबमिट
साइज वगैरह वो 80 KB से कम होनी चाहिए और सिग्नेचर की 50 KB से कम होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको फोटो को रिसाइज करना ना आता हो तो आप बताइएगा जरूर कमेंट करके, तो हम उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अभी हम ये लेके चल रहे हैं कि आपको आता है फोटो रिसाइज करना। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि किस तरीके से आप फ्रेंड्स ये देखिए फोटो सिग्नेचर मैंने अपलोड कर दी। फ्रेंड्स आप एक बार अपनी डिटेल पूरी चेक कर लीजिएगा कि आपने सारी डिटेल सही से फिल की है कि नहीं की है। ओके फ्रेंड, अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ नेक्स्ट कर दीजिए। अगर आपका नहीं हुआ है फिल तो यहाँ मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपका कुछ मिस हो गया है या कुछ गलत भर दिया तो उसको मॉडिफाई आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं पेमेंट नहीं कर रही हूँ, अगर आपको पेमेंट करनी है उससे तो यहाँ पे ऑनलाइन SBI चालान दिया हुआ है, पेमेंट थ्रू SBI के थ्रू आप ये कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और फिर इसके आगे का आप प्रोसेस कर सकते हैं ऑनलाइन, यहाँ से आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके आप अपने पेमेंट करके ये इस प्रोसेस को आगे बढ़ा के, बस लास्ट प्रोसेस यही है कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। ऑनलाइन पेमेंट कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, और हम मैंने जो जो आपको बताया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये दिक्कत है, हम उस बारे में और सोचेंगे और उसके लिए अगर हो सकेगा तो उस चीज़ के लिए मैं, कि जैसे कि मैंने बोला कि फोटो और उसका रिसाइज करना, अगर उसमें आपको कोई दिक्कत होगी आप उसको मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर, तो मैं उसके लिए भी एक नई वीडियो जरूर बनाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।